बोलिए मुझे जवाब चाहिए, अदालत को जवाब चाहिए, यहाँ बैठे हर शख्स को जवाब चाहिए कि आप अपनी दोनों बेटियों में से किसे फांसी दिलवाना चाहें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे विटनेस से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि अदालत ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और फांसी का हुक्म दे दिया है। जहां फांसी एक बलि है, जहां पर शाहीन बेगम को अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी गंवानी होगी। एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट दिस। वैसे भी शाहीन बेगम का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें बेवजह इस केस में घसीटा जा रहा है। नो मिलॉर्ड, नो नो नो। अब शाहीन बेगम इस केस की एक अहम किरदार है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। प्रोसिक्यूशन अब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवालों का जाल बिछा रहे हैं जिसका ताल्लुक दिल से होता है, इमोशन से होता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आपका हुक्म सर। आंखों पर हुजूर, यहां मेरे पास एक और चीज है, दिमाग, मेरा दिमाग। और हम यहां अदालत में दिलों का नहीं दिमागों का इस्तेमाल करने आए हैं ताकि सच की पड़ताल हो सके। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि शाहीन बेगम जो कह रही हैं वो सही है, कि वो मेहर खान है और वो शबाना खान है, क्योंकि तमाम सबूतों पर। योर ऑनर, रुखसाना बेगम इस कोर्ट में मौजूद नहीं है। अगर वो यहां नहीं है तो उनके नाम वारंट इशू किया जाए। मम्मी को मैंने घर भेज दिया है, मैं भी थोड़ा बाहर जाकर आता हूं, थोड़ा चाय पीकर आता हूं। आप पियेंगी? नहीं। शायद भाई आप चाय? नहीं, तुम पे आओ। हमारे पास सबूत भी नहीं थे इरफान के कत्ल के, हम आपको कैसे यकीन दिलाते कि उन लोगों ने इरफान का कत्ल किया है? हम आपको बता दें तो आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करते। शायद हमने तो सारे सबूत भी जुटाए थे, लेकिन वो भी किसी ने चुरा लिए। हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस यही गलती हो गई हमसे। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं हमेशा से गलत रहा, तुम पर भरोसा कर ही नहीं पाया। मैं हमेशा तुमसे मैं सबूत मांगता रहा, तुम्हारे सच में मैं झूठ को तलाशता रहा। तुम हमेशा कुर्बानियां देती रही, मैं उसमें भी साजिशों को तलाशता रहा। देखो ना, अब भी मैं तुमसे सबूत मांग रहा हूं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मैं शबाना के जाल में फंस गया। शबाना ने मुझे धोखा दिया और मैं वहां पर भी तुम्हें ही तलाशता रहा, और आज वो प्रेग्नेंट है। उस बच्चे को वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है, और मैं इसी गुमान में रहा कि वो तुम हो। क्या कर सकते हैं साहब, ना तो गुजरा वक्त वापस लौट सकता है और ना जो कुछ हुआ वो मिटाया जा सकता है। इतने मजबूर हैं हम। मजबूर नहीं जायद, तकदीर है। अब तो बस एक ही राह है जिस पर हमें चलना है, और वही आपकी और हमारी जिंदगी का मकसद भी है। साथ उस बच्चे को अपना लो, इसमें उस मुन्नी सी जान का क्या कसूर है।
उसे अपना लो। उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उसे अपना बच्चा नहीं मानता हूं और ना ही मानूंगा। शबाना ने मेरे साथ फरेब किया है। उस बच्चे ने तो तुम्हारे साथ कोई फरेब नहीं किया ना, और उसके होने में तुम भी शामिल हो। धोखे से किया गया गुनाह गुनाह नहीं होता। किसी बच्चे का जन्म गुनाह नहीं होता जायद। वो नाजायज है और मैं नाजायज को नहीं अपनाऊंगा। वो नाजायज नहीं बल्कि खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। खुदा के भेजे हुए फरिश्ते इस तरह किसी के फरेब के मोहताज नहीं होते। यानी फरेब नहीं होते हैं जायद। यही मान लीजिए कि उन्हें बनाते वक्त जो आपके तसव्वुर में था वो वही है। मैं नहीं मानता। और तुम प्लीज इस तरह मुझसे जिद मत करो। इस बात के लिए मेरा जमीर कभी भी गवारा नहीं करेगा। शायद आप इस बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ सकते। मैं अपनी आरज़ू को भी कभी लावारिस नहीं होने दूंगा। चलिए पेशी का टाइम हो गया। कातिल हमारे साथ रहती रही और हम यही समझते रहे कि आपकी मौत एक हादसा थी। इतनी बेरहमी से आपका कत्ल किया उन्होंने। एक के बाद एक गोली चलाती रही। जरा सा भी तरस नहीं आया उसे। भाई इतना दर्द बर्दाश्त कर गए आप। और मैं कहां था मैं? शायद अगर मैं आपको छोड़कर नहीं जाता तो यह सब कुछ भी नहीं होता। तुमने मेरे भाई की जिंदगी ली है तो मैं तुम्हें जीने का हक नहीं दूंगा। क्यों दूं? तुम्हें मरना होगा। मैं मारूंगा तुम्हें, चाहे मैं सूली पर क्यों ना चढ़ जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई के खून का बदला मैं अपने खून से देना होगा। Sad. बस आज सजा मिलेगी तुम्हें। बहुत खून के आंसू रुला लिए तुमने हमें।